खबर आजमगढ़ से, जहां सगड़ी जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर बगही डांड पुल के पास बीती रात लगभग 1 बजे देवरिया से विंध्याचल दर्शन को जा रहे कार के नियंत्रित होकर पलट जाने से 3 की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार में मिले मोबाइल और आधार के आधार पर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिजन सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। वहीं राहुल चौहान 30 वर्ष पुत्र राजेश चौहान निवासी देवरिया सदर, अनुपम सिंह 30 वर्ष पुत्र फूलचंद मुडेरवा गाँव निवासी जनपद बस्ती और रवि 30 वर्ष पुत्र त्रियुगी मिश्र निवासी सिगगही थाना सदर जनपद देवरिया की घटनास्थल से पुलिस ने सदर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने मौत होने की पुष्टि की। वहीं बड़े भाई सतप्रकाश मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने दुर्घटना का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं रवि नारायण मिश्रा लैब टेक्नीशियन था, देवरिया में स्वयं का लैब और अल्ट्रासाउंड आदि का कार्य करता था। अन्य दो मृतक को उसके दोस्त थे। तीनों देवरिया जनपद से अपने घर से लगभग 10 बजे रवि की कार हुंडई आई कार से निकले की जैनपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर जंगल के पास बगही डाड़ पुल से 20 मीटर पहले आजमगढ़ दूरीघाट मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर लगभग 10 फुट खाई में पलट गई। मौके पर एक की मौत हो गई, जबकि 2 को सदर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। सभी को पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा बनाकर भेज दिया गया है। मृतक रवि 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर है। माता मनोरमा देवी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गाँव में कोहराम मचा हुआ है।